ओहो, तुम लोग सब आ गए हो। हाँ, हम लोग सब आ गए हैं। अब तुम तुम्हारे झोली से कहानी निकाल के हम लोगों को सुनाओ। हाँ, कान्हा बाबा के पास कहानी के सिवा और क्या है तुम लोगों को देने के लिए? फिर सुनो। एक था राजा। नहीं नहीं मामा, अब और राजा या राक्षस नहीं। क्यों, क्या हुआ? तुम जानते हो तितलियों के पास कितनी जानवरों की कहानियाँ हैं। आज हम लोगों को जानवरों की कहानी सुनानी पड़ेगी। ठीक है, वही सुनाऊंगा। लेकिन तुम लोग सब कहानी याद रखना। तो फिर सुनो। एक दिन एक शहर का चूहा और गांव के चूहे में दोस्ती हुई। हाँ भाई, तुम कहाँ रहते हो? मैं शहर में रहता हूँ, एक बड़े महल जैसे घर में। और तुम कहाँ रहते हो दोस्त? मैं उस झील के उस पार एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हम लोगों का एक छोटा सा गांव है, उस गांव में छोटे छोटे घर है, मैं वहीं रहता हूँ। तुम्हारे जैसा महल जैसे घर में नहीं है, मैं तो कभी उतना बड़ा घर देखा ही नहीं। जानते हो, हम लोग शहर में ना बहुत ही आराम से रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। वहाँ पे तो विभिन्न प्रकार के खाना किचन में ही रहता है, सिर्फ छिप छिप के जाओ और खाओ। हम लोगों को एकदम टेंशन नहीं है शहर में। सच में दोस्त, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हें तो खाना ढूंढने जाना ही नहीं पड़ता होगा, इतने सारे खाना किचन में ही तैयार रहता है। हाँ दोस्त, सच बोल रहा हूँ मैं। शहर में तो लाइफ ही निराली है, वहाँ तो हमेशा आराम आराम है। वहाँ धूप में जलना नहीं पड़ता, बारिश में भींगना नहीं पड़ता। इतना बड़ा घर है कि कहीं भी किसी भी कोने में बस छिप के रह जाओ, कोई टेंशन ही नहीं, आराम ही आराम। तो दोस्त, एक दिन आना मेरे शहर में। हाँ दोस्त, जब हम दोनों में दोस्ती हो ही गई है तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। मैं आऊंगा किसी दिन तुम्हारा शहर घूमने। तुम्हारी बातें सुन के लग रहा है तुम्हारा शहर बहुत ही आकर्षित है, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक दिन मेरे गांव में आना पड़ेगा। हमारे गांव में तो तुम्हें शहर जैसा आराम नहीं मिलेगा, लेकिन शुद्ध हवा और ताजी ताजी खाना, और गांव में बहुत सी जगह है घूमने के लिए। ठीक है दोस्त, मैं तुम्हारी बात ही मान लेता हूँ। मैं पहले तुम्हारा गांव घूमने आऊँगा, फिर तुम आना मेरे शहर घूमने। ठीक है ठीक है, फिर तुम आज ही चलो मेरे साथ मेरे गांव। इतना जब बोली रहे हो तो चलो दोस्त। दोनों दोस्त निकल पड़े गांव में घूमने के लिए। गांव के चूहे ने शहर के चूहे को विभिन्न जगह घुमाया। ओ देखो दोस्त, वो है हम लोगों का मैदान, हम लोग वहाँ पे खेलते हैं। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मैदान है, बड़ा है। हम लोग के शहर में तो ऐसा नहीं है, हम लोग के शहर में तो मैदानों में बड़ी बड़ी फ्लैट बन गई है। क्या करोगे बोलो, जहाँ जैसा वहाँ वैसा ही ना होगा। अच्छा वो देखो, वो है हम लोग का तालाब, हम लोग वहाँ नहाते हैं। अरे ये तो कितनी सुंदर नीले नीले पानी है, हम लोग के शहर में ऐसा नहीं, वहाँ पर तो सिर्फ टंकी का ही पानी है। नहीं, अब हम लोग बहुत घूम लिए, चलो अब घर चलते हैं, बहुत भूख लगी है। चलो लंच का टाइम हो गया है, चलो चलते हैं घर। हाँ मेरा भी, चलो लंच करते हैं। दोनों मिलके घर गए लंच करने के लिए। लंच में साधारण खाना शहर के रईस चूहे को पसंद नहीं हुआ। क्या दोस्त, ये सब क्या खाते हो, इस सब खाने में क्या टेस्ट है। खाना खाना हो तो चलो मेरे साथ मेरे शहर, देखना वहाँ के खानों में कितना टेस्ट है। विभिन्न प्रकार के टेस्ट के खाने, चलो आज ही चलो मेरे साथ चलो। ठीक है दोस्त, चलो अब चलो, जल्दी चलो मेरे साथ। ठीक है फिर, चलो देखता हूँ कैसा है तुम्हारा शहर। दोनों दोस्त शहर के लिए निकल पड़े। शहर पहुँचते ही पहले उन्हें इंतजार करना पड़ा 2-3 घंटा घर में प्रवेश करने के लिए।
जानते हो दोस्त, अच्छे खाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। क्यों, ठीक बोल रहा हूँ ना? ठीक बोल रहे हो तुम। बहुत दूर से आए हो, भूख तो लगा होगा। चलो चलते हैं किचन में, जाके देखना वहाँ पे कितना सारा अच्छी अच्छी खाना है। हाँ, भूख लगा है सच में। चलो खाना खाने चलते हैं। उसके बाद दोनों दोस्त निकल पड़े किचन में खाने के खोज में। वहाँ पे ढेर सारे खाना रखे थे टेस्टी टेस्टी। वो लोग जैसे ही खाना खाने गए, वैसे ही घर की मालकिन आ गई। तभी वो लोग खाना छोड़ छाड़ के वहाँ से भाग पड़े। तो तुम्हारे शहर में बहुत ही अच्छी अच्छी खाना है और आराम भी, लेकिन कुछ भी नहीं खा पाते हैं। हमेशा डर डर के ही यहाँ पे रहना पड़ता है। इससे अच्छा तो मेरा गांव है, वहाँ पे आज़ादी है। बिना आज़ादी के भरपेट कोई खाना नहीं खा पाता है। इससे अच्छा तो मेरी गांव ही है। ठीक है, मैं चलता हूँ अब। Oh, 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 oh